नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। रीवा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने मीडिया से बताया कि गढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रयागराज से कुछ आरोपियों एक कार में नशीली कप सिरप रीवा के मनगवा की ओर ले जा रहे थे, जिसको तत्काल पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसमें एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने एक कार भी आरोपियों के पास से बरामद की है। वहीं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि पकड़ी गई कोरक्स कफ सिरप करीबन 1,00,000 कीमत की है, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया है। वहीं चौथे आरोपी को पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि मंगममा के ही एक आरोपी ने अपने मनगवा में ही बेचने के लिए कोरक्स कफ सिरप मंगवाई थी। संवाददाता अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। ये गढ़ थाना क्षेत्र में कल सूचना मिली थी शाम को कि कुछ कोरेक्स के बारे में है, क्योंकि गाड़ी से कोरेक्स लेके जा रहे हैं कुछ आरोपी। उस पर से गढ़ पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया, जिसमें करीब 12 पेटी कोरेक्स मिली है, जो करीब 1,72,000 के आसपास कीमत की है। साथ में एक टवेरा गाड़ी जब्त हुई, जिसकी कीमत 4,00,000 के आसपास है। इसमें 3 आरोपी थे, जिसमें 2 पुलिस ने पकड़ ली, एक आरोपी फरार हो गया मौके से, मनीष नाम का। इसमें 2 आरोपी जो पकड़े गए, एक का नाम नीरज पिता प्रमोद तिवारी, ये मनुआ का ही रहने वाला है, इसकी उम्र 27 वर्ष है। दूसरा शुभम पटेल पिता तिलक राज पटेल, इसकी भी उम्र करीब 22 वर्ष है, गुड़ रोड मनुआ का रहने वाला है। जो फरार आरोपी है तीसरा, उसका नाम मनीष पटेल है, ये गंगेयू का रहने वाला है और ये आपराधिक प्रवृत्ति का है भी। जो गाड़ी थी ये नीरज तिवारी की गाड़ी है, जिसको किराए से करके लेके गया था। पूछताछ करने पर बताया गया कि ये इलाहाबाद से लेके आ रहा था और वहीं मनगवा के आसपास ही इसका विक्रय करता है।